ये टोमेटोस देखिए किस तरह से ये प्लांट पर लगे हुए हैं। अभी कच्चे हैं ये, क्योंकि इसके ऊपर जो भी पके हुए टोमेटो थे हमने सब निकाल लिए हैं। देखिए ये सब तरफ ये टोमेटो के पौधे लगे हुए हैं। और गाइज ये देखिए ये सब तरफ हमारा ग्रीन ग्रीन ये खेत है, ये आपको नजर आता होगा। यहाँ का मौसम, हम छुट्टियों पर आए हैं यहाँ पर पिकनिक मनाने। यहाँ पर खाना भी बना है, आपको वो भी दिखाऊंगी मैं कि हमने यहाँ पर खाना किस तरह से बनाया है। देखिए ये सारे ये गोभी के हैं प्लांट, इसमें बीच में गोभी लगती है गाइस, आपको तो पता ही होगा। तो अभी फिलहाल इस पर ये गोभी लगने की है। ये हमारे अमरावती शहर से कुछ 15 किलोमीटर दूर ये गांव है वनारसी करके, यहाँ पर ये हमारी खेती है गाइस, हम इसे बाड़ी कहते हैं। देखिए आपको मैं दिखाती हूँ कि यहाँ पे क्या क्या है, देखते जाइए आप सब। देखिए कितना प्यारा हरा भरा नज़ारा है गाइस। ये पपीते का प्लांट है, देखिए कितना हाइट हो गई इसकी और ऊपर इसके पपीता लगा हुआ है। वीडियो आखिरी तक देखिए गाइस, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, आपको सब कुछ दिखाऊंगी मैं यहाँ पर क्या क्या है। फूलों के झाड़ का है, देखिए यहाँ पर कौन कौन से फ्लावर प्लांट लगे हुए हैं, दिखाती हूँ आपको। ये देखिए ये तुअर की फल्ली, इस तरह से ये तुअर की फल्ली आती है इस प्लांट पर। ये पूरा अभी ये फलियों से भरा हुआ है ये प्लांट, अभी इसकी फल्ली भरने की है, कौली फल्ली है ये। और ये देखिए ये मोगरे का प्लांट है, ये मोगरे का प्लांट है, अभी इसके ऊपर फ्लावरिंग नहीं है। और ये देखिए गाइस डबल पेटल वाला हिबिस्कस, इसकी मैंने कटिंग ली थी और मेरे घर पर भी इसकी कटिंग लग गई है। देखिए बहुत बड़ा प्लांट है ये और बहुत सारे इसके ऊपर फ्लावरिंग हो रही है। और आपको और कुछ प्लांट दिखाती हूँ, ये काय का है दीदी? हाँ सुबह में खिलेगा। कौन से कलर का फूल है ये? गुलाबी। अच्छा ये इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, इसका नाम कुछ तो भी है ना, याद नहीं आ रहा मुझे। इसकी भी कटिंग आसानी से लग जाती है तो मैं इसकी भी कटिंग ले लूँगी। ये देखिए, और ये है कुआ छोटा सा, ये पानी इसमें नज़र नहीं आ रहा, ये ढका हुआ है आधा। और ये है गन्ने का प्लांट गाइस, ये देखिए गन्ना कितना बड़ा हो गया है। ये है गन्ने लगे हुए हैं, जो ये हमारी खेती संभालते हैं, इन्होंने खाने के लिए कुछ ये लगाए हुए हैं गन्ने। और ये देखिए मैरीगोल्ड, कितनी खूबसूरत इस पर फ्लावरिंग हो रही है। और बहुत सारी देखिए, बहुत सारी फ्लावरिंग इस पर हो रही है गाइस, देखिए कितने सारे फ्लावर आ गए हैं इसके ऊपर। ये देखिए, देखिए कितने सारे फ्लावर है गाइस, इतने सारे। ये एक ही पौधा है क्या? अच्छा ये देखिए एक ही प्लांट है, और एक ही प्लांट ये कितना बड़ा हो गया और इसके ऊपर फ्लावरिंग देख ही सकते हैं आप, कितनी सारी फ्लावरिंग है क्या। आओ ना दीदी। हाँ पपई का है, पपई। अच्छा हाँ चलिए आपको पपीता। ये देखिए ये है दीदी हमारे, ये एमपी के ना, हाँ ये एमपी से आते हैं और ये यहाँ खेती संभालते हैं गाइस, ये हमारी। तो इन्होंने ये सब कुछ बो रखा है ये खेती में। ये बैगन है ना, हाँ ये देखिए ये बैगन और गोभी, गोभी का फूल है। ये देखिए ये दिखाती हूँ आपको, देखिए कितना प्यारा ये गोभी का फूल है, ये है ये गोभी। तो इसी तरह से ये खेत में ये सब्जियां उगाते हैं। ये देखिए चारों तरफ आपको दिखाई देती होंगी, ये पूरी हरी भरी सब्जी है। आज हम यहाँ पिकनिक मनाने के लिए आए थे,
तो ये हमारी दीदी है। चलिए दीदी आप दिखाइए और आगे क्या क्या है, है ना? ये देखिए यहीं पे सजाइए तो ना दीदी। हाँ हाँ यही हाथ से ले लेती हूँ, यहाँ बहुत अड़चन है। ये देखिए पपीता आपको नजर आ रहा हूँ, ये देखिए कितने सारे पपीते लगे हुए। हाँ, ये देखिए कितने सारे पपीते इसके ऊपर लगे हुए, बहुत बड़ा प्लांट है गाइस ये पपीते का। देखिए कितने सारे पपीते लगे हुए हैं, और ये गन्ने का प्लांट, और यहाँ पे मैरी गोल्ड है। अजान की आवाज आ रही होंगी आपको, अजान हो रही है। ये देखिए कितनी सारी फ्लावरिंग हो रही है, बहुत प्यारा कलर है गाइज इसका मैरी गोल्ड का। और ये एक ही पौधा है, इतना सारा ये बढ़ चुका है। तो आपको दिखाती हूँ ये जो दीदी रहते हैं वो किस तरह से घर में रहते हैं, उन्होंने हमारे खेती में किस तरह से झोपड़ी कहिए उसे क्या कहते हैं वो बना रखा है। आपका घर दिखा दो, घर चल हटो चलो हो रहा ना वीडियो कर अंदर दिखाओ सामने दिखाओ सामने से दिखाती हूँ अंदर आ जाने। हाँ ये देखो ये है ये दीदी की, अंदर से दिखा दो, ये दीदी का घर है और इन्होंने ये हो जाती। ये लो दीदी, ये देखो दीदी का घर है गाइस। ये छोटे से जगह पे इन्होंने कितना प्यारा अरेंजमेंट किया है, देखिए ये हाइट बिल्कुल कम है ये इनके घर की। कितने हाइट होंगी ये, करीब करीब 4 फुट हाइट है गाइस इसकी। और इनके घर में सभी तरीके के देखिए सामान, सब जरूरत की चीजें यहाँ पर इस तरह से रखी गई है। किचन भी है, ये देखिए यहाँ पर टीवी, ये पलंग। हाँ किचन किधर है? अच्छा देखिए ये घर में किचन भी देखिए इस तरह से। हाँ अंधेरा है, लाइट नहीं है क्या दीदी? हाँ क्या, हाँ ये देखिए, हाँ ये देखिए किस तरह से इन्होंने छोटे से जगह पे अरेंजमेंट करा है किचन का। देखिए पूरी लकड़ियों की बनी हुई है, घास की नहीं दीदी, क्या बोलेंगे इसको, टट्टी और बांस की। और ऊपर इन्होंने देखिए इस तरह से ये कपड़ा लगाया हुआ है ताकि धूल मिट्टी नीचे ना गिरे। आइए दीदी बैठिए। नहीं दीदी बैठेंगे नहीं आप, ठीक है ना? ये देखो इधर भी एक रूम है, इधर बच्चे सोते, अच्छा बेडरूम भी बना रखा है इस तरह से। देखिए इतने कम जगह पे इन्होंने कितना प्यारा अरेंजमेंट किया है गाइस। और ये खेत में रहते हैं हमारे और यही संभालते हैं। तो इस तरह से ये हमारी पूरी खेती है गाइस, देखिए बहुत खूबसूरत नजारा है। बेबी मत जाओ ना तुम, रुको ना यहाँ पे। बहुत मजा आया आज, आज यहाँ पर पिकनिक करके बहुत मजा आया। और हमने बहुत सारे सब्जियां भी निकाली है यहाँ से, सब्जियों की भी हार्वेस्टिंग की है, उसका वीडियो मैं बना नहीं सकी गाइस क्योंकि पूरा दिन हमारा इसी में निकल गया, पता भी नहीं चला पूरा दिन कैसे निकला हमारा। तो ये देखिए गाइस आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए कि आपको ये मेरा खेत कैसा लगा। और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए गाइस, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, बाय।